नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त मैं धनबाद थाना के परिसर में खड़ा हूं और यहां पर आज मैं इसलिए आया हूं कि 9 तारीख की रात को करीब 12 बजे एक पति पत्नी और उनका मासूम सा बच्चा सिटी सेंटर से होते हुए बरवड्डा की तरफ जा रहा था। बेलाटाड़ में उनका घर है और 12 बजे के आसपास करीब, जब 12 बज के पार हुआ तो एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो गाड़ी मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ी था, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो हमें देखने में समझ में आ रही है। और इस गाड़ी ने टक्कर मारी और दुर्घटना स्थल पर ही जो BCCL में काम कर रहे चीफ इंजीनियर आना दास की मौत हो जाती है और जो 12 साल का बच्चा रहता है उनका, उनकी पत्नी को बेहतर इलाज के लिए आगे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर आगे ले जाने के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता, बच्चे को अभी भी इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया आगे दुर्गापुर की तरफ। तो फिलहाल हम धनबाद थाना में, यहाँ पर धनबाद थाना के प्रभारी ने तो कुछ कहने से साफ मना कर दिया क्योंकि फिलहाल गाड़ी में किसी भी प्रकार का नंबर प्लेट हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो अब तक जो खबरें आ रही है कि वो ये है सूत्रों के मुताबिक कि ये किसी सत्ता पक्ष के, कह सकते हैं कि रिश्तेदार माने जा रहे हैं, तब जाके फॉर्च्यूनर गाड़ी है और उनका खासा दबदबा दिख रहा है, इसलिए कुछ खास एक्शन नहीं दिख रहा। इसके बाद हम चलेंगे, अभी हमें सूचना मिली है सीधा PMCH और वहाँ पर उनके परिजन और भाजपा नेत्री रागनी सिंह आए हुए, तो दोनों से जानेंगे स्थिति के बारे में। तो बच्चे के जो दादाजी हैं वहाँ पर पहुँचे हुए, उनसे जुड़ेंगे और अन्य परिजन से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या घटना थी और इस घटना के बाद जो मासूम, आप कह सकते हैं कि अनाथ हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है और कब जो है इसके जिम्मेवार जो भी है, इस गाड़ी को चला रहा था उसका चालक या इसके जिम्मेवार पीछे जो भी, वो कब सलाखों के पीछे हुआ, तो सीधा जुड़ते हैं उनके परिजनों से। तो जानबूझ के तो नहीं, लेकिन वो जो है वो लोग जा रहा था डॉक्टर दिखाने के लिए, डॉक्टर दिखाने घर से निकल के मेन रोड में आया, ये लोग स्पीड में पीछे से मार दिया प्रभातम के पास। हाँ, प्रभातम के पास पीछे से मार दिया, अभी तो जानकारी मिल रहा है। बच्चे का क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल इकलौता बच्चा था? हाँ, एक ही लड़का था। तो गाड़ी का कुछ नंबर नोट हुआ है, पैर वगैरह कुछ हुआ अभी तक? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन बोला पहले जो वहाँ पर बातचीत किए तो पोस्टमार्टम का बाद धनबाद थाना में जाने बोला, तो वहाँ जाएंगे हम लोग, पोस्टमार्टम हो जाने का बाद जाएंगे। अब दादाजी होंगे? हाँ, हम लोग दादाजी। आप कहाँ रहते हैं बच्चे के साथ? हम लोग कतरास में रहते हैं। अच्छा। कतरास में रहते हैं, इसका भी घर वहीं पर कतरास में है, यहाँ पर घर बना के रह रहा था, मकान बना के धनबाद में रह रहा था। बस माँ बाप और बच्चा? हाँ, माँ बाप बच्चा, बगल में उसका चचा रहता था, चचा का भी तबीयत खराब है, कमर टूट गया था पहले ही, वहाँ तो घर में आज उनको लेके चंदनकारी जाना था, तब तो भैया भाभी कैसा हो गया वो चंदनकारी इलाज के लिए? हाँ, वो जड़ी बूटी इलाज के लिए, एलोपैथी में मतलब ऑपरेशन बोल दो, डायलिसिस करना, इसलिए नहीं करवाए। सत्तर कहाँ से होंगे, जिसको सत्ता का नशा हो जाता है, जिसको घमंड है, पैसे के नशे का है, जिसको परिवार का मोह नहीं है, जिसका बाल बच्चा परिवार का मोह नहीं है, जिसका ये समझ में नहीं है कि किसी का पति चला जाएगा, जिसका बेटा चला जाएगा, जिसका भाई चला जाएगा, वो कहाँ से समझेगा। आज जिस तरह से भयानक घटना घटी है, किसी का घर उजड़ गया है, पूरा घर कहें तो, और ये कहे तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर रौंदा गया है सत्ते के नशे में चूर। तो जिस तरह से ये घटना घटी है, जो देखा नहीं जा रहा है, ये कहे तो जानबूझकर इसको रौंद दिया गया है। तो मैं चाहूँगी कि इस पे प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और इस पे कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि इस तरह से आए दिन घटना घट रही है और कहीं ना कहीं कई परिवार चपेट में आ रहे हैं। तो आखिर कब तक, कितने परिवार अपने सदस्य खोएंगे? और आज जिस तरह से ये घटना घटी है, ये दर्दनाक घटना घटी है, एक परिवार पूरा उजड़ चुकी है, तो कहीं ये सत्ता का नशा है, ये बिल्कुल सत्ता का नशा इसको कहलाएगा। जो आज प्रशासन ये बिल्कुल मौन हो चुकी है, कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में, जो अब तक कार्रवाई नहीं की है, ये इसको नाकामी कहेगा। कानूनी लड़ाई के लिए हम कितना समर्थन रहेगा आपका इसमें? यहाँ जितने लोग हैं सब लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है। अगर सही तरीके से उस रोड पे कोई खड़ा, अगर कोई भी गाड़ी चलाता, तो इस तरह से दुर्घटना नहीं होता। लेकिन उस तरह मतलब रफ तरीके से चलाया गया है, रॉन्ग तरीके से मारा गया है, वो तो बेचारे बहुत
बाइक से जा रहे थे, सीधे रास्ते से जा रहे थे, रॉन्ग तरीके से डिवाइडर पार होकर एक्सीडेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं चलाने वाला व्यक्ति पूरे नशे में चूर था। साइड का पता नहीं था किस तरफ से जाना सही, कहाँ से पता होगा, एक नशा का सत्ता का चूर और दूसरे नशा का चूर। तो इस पे प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, वैसे व्यक्ति को तो फांसी का भी सजा कम है। जिसका घर उजाड़ दिया गया तो उस व्यक्ति को फांसी का भी सजा कम है। तो इस पे प्रशासन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच करे, पूरा प्रूफ सामने है, गाड़ी में चेन मिला है, तो निश्चित तौर से इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं हो तो पूरा आंदोलन जारी रहेगा। गाड़ी में कौन कौन ने पता चला कुछ? ये गाड़ी में ये लोग तो तीन आदमी थे, उसका कुछ पता नहीं चला, नंबर वगैरह भी कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने बच्चे के दादाजी को सुना, यानी कि मृतक के कह सकते हैं पिताजी को सुना, साफ कहना है कि वो 12 बजे अपने घर, उनका एक आवास उधर भी भेलाटाड़ में, वहां जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना घटी। और आज अब जो स्थिति वो ये है कि वो बच्चा जो मासूम है वो अनाथ हो चुका है, उनके ना माता रहे ना पिता, तो दोनों की अब नहीं रहे जान। और सड़क दुर्घटना में क्या स्थिति रहती, लगातार हम खबर दिखाते रहते, सवाल उठाते रहते सड़क सुरक्षा संबंधित, कि जनवरी फरवरी मार्च का रिकॉर्ड है कि 110 घटनाएं होती है और 80 से ज्यादा अधिक लोगों की जान चली जाती, सड़क दुर्घटना इतना कह सकते हैं कि घातक हो जाता। तो यातायात के नियमों का धज्जिया उड़ना और उसके कारण एक परिवार का उजड़ना, अगर आप गाड़ी का विजुअल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी जो है उस तरफ से आ रही थी, यानी कि अगर आप बरवाड़ा की तरफ साइंस सिटी सेंटर की तरफ उधर से आ रहे तो ये परिवार जो है ये सिटी सेंटर की तरफ से बेलाटान की तरफ बरवाड़ा वाले रोड पर जा रही थी, तो डिवाइडर पार करता हुआ आया और उड़ा दिया। तो ये है स्थिति यहाँ के धनबाद के सड़क सुरक्षा की, कि दूसरी तरफ से गाड़ी डिवाइडर पार करके आता और एक परिवार का जान ले लेता है। ये स्थिति यहाँ की सड़क सुरक्षा के नाम पे क्या नियमों का पालन हो रहा है ये सीख मिलता है। दूसरा जो है परिवार उजड़ जाता है, ये भी हमें सीख मिलता है कि सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन होना कितना जरूरी है। इसके अलावा हमारी एक और अपील रहेगी कि यूं जो थाना प्रभारी पीछे हटते नजर आते, हम बयान नहीं देंगे, चलिए अच्छी बात है, FIR के बारे में जब पूछते तो उन्होंने जानकारी दिया कि FIR बिल्कुल हुआ है, क्योंकि दो दो लोगों की मृत्यु हुई है तो FIR होगा, लेकिन किनके नाम पे हुआ नहीं हुआ ये जानकारी देने से वो साफ इनकार कर देते हैं। तो यूं जिम्मेवार जो व्यक्ति है उस दुर्घटना के लिए उसका साथ देना आरोपी का, ये भी एक गलत बात है। तो पुलिस प्रशासन क्यों पीछे कदम खींच रही है? सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि सत्ता पक्ष के रिश्तेदार हैं वो, और भाजपा नेत्री और परिवार के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बड़े परिवार साथ है, इसलिए कुछ बहुत ज्यादा एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ये अपील हमारा रहेगा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से कि जरूर कुछ करिए, क्योंकि एक सड़क दुर्घटना में पूरा परिवार उजड़ जाता है। और कोई भी आरोपी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें समर्थन मिलना चाहिए, पूरे परिवार को चौतरफा समर्थन मिलना चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तभी ये दुर्घटनाएं रुकेंगी, वरना धनबाद की सड़कों पे यूं ही जान जाती रहेगी और परिवार उजड़ता रहेगा। हम और आपको दिखाते रहेंगे अन्य खबर, बने रहेगा मिरर मीडिया के साथ, मेरे सहयोगी संजय के साथ, मैं अमर कुमार, धन्यवाद।